निहार स्टाब। लेकिन तब हम हर कुश्ती में एक बात कहा करते थे कि मेरा सपना है कि मुंबई से कोई पहलवान ओलंपिक में जाकर के मेडल लेके आए, वो मेरा सपना अभी भी अधूरा। और वो सपना तब पूरा होगा जब अगली बार नरसिंह यादव जाएंगे और ओलंपिक का मेडल लेके आएंगे। ऐसे नरसिंह यादव जी मुझे बड़ी खुशी होती है। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, नौकरी अपनी जगह है। आज पहलवान होने के नाते, वर्ल्ड क्लास प्लेयर होने के नाते मुंबई पुलिस में डीएसपी के रैंक पे ये नौकरी करते हैं। लेकिन सामने से मुझे फोन किया कि भैया आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मदद करूं। सरकारी नौकरी में भाषण नहीं देंगे, लेकिन इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, भावना रख सकते हैं। इन्होंने जो भावना रखी मेरे लिए, उस भावना को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। नरसिंह भाई, कोई बदले में कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीत के आए थे, ऐसे बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट थे पूरे देश में, लेकिन सारे गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड मेडल लेके जब अपने अपने गांव गए तो उनका बढ़िया से स्वागत भी नहीं हुआ होगा। लेकिन जब अपना बच्चा जब उतरा मुंबई एयरपोर्ट पे, तो रथ पे बैठा करके पूरी एक जुलूस निकाल के लेकर के मैं निकला था इस खुशी में कि हमारे गांव का बच्चा, हमारे मुंबई का एक बच्चा पूरे हिंदुस्तान का गौरव लेकर के आया है और इसका जश्न मनाया जाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट जश्न तब बनेगा जब ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेके आओगे भैया, और तब तक के लिए मैं आपके साथ हूं और आपकी हर लड़ाई में, आपके हर संघर्ष में आपके साथ रहूंगा। और आज आप जब यहां पर उपस्थित हुए, मैं इनको बहुत छोटे उम्र से देख रहा हूं, जब एकदम बच्चे थे तब ही आया करते थे यहां पे हमारे यहां स्टेडियम में पहलवानी करने के लिए। धीरे धीरे अब बहुत बड़े हो गए हैं। इनको लेके पूरे मुंबई के जो रेसलिंग वर्ल्ड है उसकी एक बड़ी उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है कि यह उम्मीद पूरी करेंगे। लेकिन आपकी जो एक उम्मीद है, वो उम्मीद मैं पूरी करूंगा। वर्षों तक हर साल अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती मुकाबला और भारत पाकिस्तान कुश्ती मुकाबला और अंतर भारत स्तरीय कुश्ती मुकाबला हर साल यहां देरी स्टेडियम में मैं रखता था। पिछले कुछ सालों से बंद है। कुछ पता है? गुस्सा नहीं होते मेरे पे कि क्यों बंद कर दिए? वो पूरा स्टेडियम आजकल शिवसेना वालों ने फुटबॉल का ग्राउंड खोल के रख दिया है। अब वहां सिर्फ फुटबॉल होता है, वहां पे कुश्ती नहीं होती है। आज मैं आपके सामने वादा करने आया हूं, फिर से चुनाव जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती मुकाबला मुंबई में शुरू होगा। शायद लड़ाई लड़ करके वही शुरू कराऊंगा, लेकिन मुझे खुद बड़ी बहुत वर्षों से 2-3 साल से छूटा पड़ा है। मैं जब नॉर्थ मुंबई चला था तो वहां पर 1-2 बार किया, उसके बाद फिर यहां नहीं हो पाया। एक यहां पर भी मेरे ख्याल से 1-2 बार किया था हमने नॉर्थ मुंबई जाने के बाद। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि आने वाले दिनों में फिर से कुश्ती का मुकाबला यहां पे शुरू किया जाए। तो अगले साल से 26 जनवरी, हर साल 26 जनवरी को ही होता है, अगले साल से 26 जनवरी को फिर से पूरा यादव नगर अंधेरी स्टेडियम या जहां कहीं भी करूंगा वहां पर आइए। आपका अभी से एडवांस में आमंत्रण दे रहा हूं मैं आपको। अभी मैं अध्यक्ष बना जब कांग्रेस पार्टी मृत प्राय थी, सब हार गए थे, किसी के पास जोश नहीं था, उत्साह नहीं था। ऊपर से रोज लोग फोन करते थे कि ये नरेंद्र मोदी आए हैं। अभी 15 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं, कुछ ना हुई, गली गली में उनके पोस्टर होर्डिंग, कांग्रेस पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं। तब राहुल गांधी जी ने बताया, मुझे आदेश दिया कि मुंबई में कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने की जवाबदारी आपकी है। और पूरे 4 साल ईमानदारी से लोगों का प्रश्न लेकर के मुंबई की सड़कों पे, वस्तुतः रोज मैं सड़क पे उतर के लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। कभी पानी का प्रश्न हो, रस्ते का प्रश्न हो, गटर का प्रश्न हो, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस का सिलेंडर महंगा, रेलवे का भाड़ा महंगा, प्लेटफॉर्म टिकट महंगा, लोकल का भाड़ा महंगा, कभी राफेल का घोटाला, कभी फडणवीस के किसी मंत्री का घोटाला, कभी बिजली बिल महंगा हो गया, अंबानी के खिलाफ, अदानी के खिलाफ, कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। ये जो लोग फेरी वालों की लड़ाई, ऑटो वालों की लड़ाई, टैक्सी वालों की लड़ाई, ऑटो वालों को परमिट, अभी बतावा मुंबई में रहने वाले हर आदमी को थोड़ा बहुत मराठी आनी चाहिए, यह अपेक्षा करना गलत नहीं है, सही है। लेकिन अचानक शिवसेना वालों ने
कहा कि जितने ऑटो ड्राइवर है सबका मराठी का परीक्षा लेंगे आप और लिखित परीक्षा लेंगे। लो भाई अब जो परीक्षा आती है, ऑटो वाले बेचारे आए मेरे पास, भैया वो जो परीक्षा ले रहे हैं वो दसवीं पास करने वाला मराठी का ज्ञान पूछ रहे हैं। तो मैंने फिर आरटीओ वालों को डांटा, मैंने कहा अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो ऑटो चलाता बेचारा। एक एक आरटीओ में गया ऑटो वालों को लेकर के, आखिरकार वो परीक्षा रद्द करवाया और उसके बाद सबको परमिट मिलना शुरू हुआ। ये लड़ाई में लोगों के लिए लड़ते लड़ते आज यहां आपके सामने खड़ा हूं, चुनाव हारने के बाद भी लड़ता रहा हूं, चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच रहा हूं। जो हमारे खिलाफ आज चुनाव लड़ रहे हैं, गजानन कीर्तिकर जी, वयो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बुजुर्गियत का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन पूरे 5 साल कभी यादव नगर छोड़िए बहराम के नाके पर भी दिखे, अगर किसी ने देखा हो तो मैं उसको अवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा, कहीं नहीं दिखे 5 साल। मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि गजा भाऊ आप बड़े सीनियर आदमी हैं, 5 साल आप एमपी थे, दोबारा फिर से लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं, आपने 5 साल क्या क्या किया और फिर 5 साल किस आधार पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, आइए इस पर खुली चर्चा करते हैं। अभी तक उसका जवाब नहीं आया। मैंने चैलेंज किया कि लोगों को हक है जानने का कि बतौर एमपी आपने क्या किया, आपने क्या किया, मैं क्या करूंगा, मैं हारने के बाद भी क्या करता रहा, आइए लोगों के सामने चर्चा करते हैं। सीधे मेरा चैलेंज रिजेक्ट कर दिया और मेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा, तू नौटंकीबाज है। अगर इतना सीरियस लोकतंत्र में बुनियादी मुद्दों पर चर्चा कराना या करने की मांग करना नौटंकी है, और अगर ये नौटंकी है तो मैं नौटंकीबाज हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरे 4 साल कहां, 5 साल कहां थे, यह पूछने का हक इस क्षेत्र के जनता को, मतदाताओं को है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा एकदम। ये मेरा पैशन है, यह मेरा शौक है, मेरी आदत है कि लोगों के बीच रहा जाए, लोगों का काम किया जाए। चुनाव आते जाते रहते हैं लेकिन लोगों के साथ जुड़ के रहना, लोगों की सेवा करना, ये मेरा धर्म और कर्म है। जिस तरह से आपने कहा जो लोग मोदी भक्त हैं, अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर वो उनके भक्त बने हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं, जो आपने वर्ड यूज किया, क्या लग रहा है, सही है? बिल्कुल, देखो अब नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 5 साल पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, न स्मार्ट सिटी बनाना, स्टार्टअप इंडिया कुछ हुआ ही नहीं, डिजिटल इंडिया सब फेल, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत जितना स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे आपने अधिभार वसूला वो सिर्फ अपने पब्लिसिटी पे खर्चा कर दिया। क्या मुंबई स्वच्छ हो गया? तो जब हर मोर्चे पे एक सरकार फेल हो जाती है, फिर से दोबारा अगर कोई वो सरकार लाना चाहता है तो उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है।